दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आजकल पेरेंट टीचर मीटिंग्स चल रही हैं। 19 तारीख से लेके 31 जुलाई तक हमने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स को बुलाया है और उनसे डिस्कस कर रहे हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में। लगभग 5 लाख पेरेंट्स अभी तक टीचर्स से मिलके जा चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स अभी तक टीचर्स से मिलके जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा सक्सेस है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन में रुचि ले रहे हैं। इन्हीं पेरेंट टीचर मीटिंग्स में मैं भी गया और वहाँ पेरेंट्स से भी मिला। हर जगह मैं जहाँ भी गया तो पेरेंट्स से मिलने में मुझे पेरेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा दिखी। वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो समझना चाह रहे हैं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, खुलेंगे तो हमारे बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा। लोग चाहते तो हैं कि स्कूल खुलें, लेकिन उनके मन में डर भी है। तो ये जो जिज्ञासा है वो सारे पेरेंट्स में मुझको दिख रही थी। टीचर्स भी चाहते हैं कि स्कूल बहुत दिन से बंद हो गए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, स्कूल खुलें तो सही लेकिन कैसे खुलें। अब मैं कॉलेजेस की तरफ देखता हूँ तो बहुत सारा यूथ जो मुझे आके मिलता रहता है कॉलेज में पढ़ने वाला, वो कहता है कि साहब हमारे तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्कूल के बाद में कॉलेज लाइफ पूरी घर में बैठे बीत रही है। हमारा एक कमरे का, घर का छोटा सा कमरा कुल मिला के कॉलेज बन गया है। बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था, सोचा था वहाँ के कैंपस में शान से रहेंगे या शान से पढ़ेंगे, वो हमारा घर का एक कमरा पूरा मिला के उस बड़े से कॉलेज का हमारा कैंपस बन गया है। बात ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र सब कुछ बंद रखना पड़ रहा है। तो अब आसपास के राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खुले हैं। कई राज्यों का मैंने स्टडी किया, किसी ने जुलाई के फर्स्ट हाफ में खोल दिए थे, कई सारे राज्य अब खोल रहे हैं, कुछ ने 1 अगस्त से खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में भी अब इसको लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी है। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजों का क्या होगा। बच्चे भी क्यूरियोसिटी में हैं, टीचर्स भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, मैं दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल्स से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अब हमें क्या स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए? अगर खोल देने चाहिए तो कैसे, किस तरह से खोलने चाहिए? आपके सुझाव क्या हैं? अब हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण है। अब हम आपके लिए सुझाव मांगना चाहते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि अब दिल्ली में जो कोविड के केसेस रोजाना आ रहे हैं उनकी संख्या घट के अब लगभग 40-50-60, 40-50-60 के करीब रह गई है। दिल्ली में रोजाना करीब 70 से 75 हज़ार कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। तो 75 हज़ार लोगों का टेस्ट करने पर 40-45-50-60 किसी दिन, वापस 40 किसी दिन, उस तरह के पेशेंट्स की संख्या रोजाना आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति तो काफ़ी नियंत्रण में है। तो इसे देखते हुए और बाकी राज्यों के अनुभव को देखते हुए, क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए, कैसे खोलने चाहिए, इस पर आपके सुझाव चाहिए। और दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ता हो या प्राइवेट में पढ़ता हो, आप हमें बताएं कि हमें स्कूल या कॉलेज खोलने चाहिए, अगर खोलने चाहिए तो कैसे खोलने चाहिए। टीचर्स हमें बताएं, स्टूडेंट्स अगर हमें ईमेल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमें बताएं। और मैं उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, बहुत इजी ईमेल आईडी है, delhischools21@gmail.com, delhischools21@gmail.com। तो इस पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप जब सुझाव भेजें तो अपना नाम, अपने बच्चे का डिटेल, किस कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सब भेज के करीब, बहुत लंबा ईमेल ना लिखें, 100 शब्दों में अपनी बात लिख दें कि आप क्या चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज खुलें, अगर खुलें तो आपका कोई उसमें सुझाव हो तो वो हमें दें। मैं आपके सुझाव के आधार पर सरकार के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बैठ के इस पे फिर सरकार डिसीजन लेगी।